नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ झटपट मैंगो बॉल्स डेजर्ट। झटपट मैंगो बॉल्स डेजर्ट बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए: पका आम 2 से 3, मिल्क पाउडर 250 ग्राम, नारियल का चूरा 2 से 3 चम्मच, केसर के धागे 20 से 25, पीसी चीनी या बूरा 2 चम्मच या स्वाद अनुसार, काजू बादाम किशमिश 3 से 4 नग, उबला व ठंडा दूध 4 से 5 चम्मच या आवश्यकता अनुसार, परोसने के लिए अनारदाना 1 चम्मच। सबसे पहले आम को धोकर छिलका उतार लेंगे। एक कटोरे में आम को बारीक काट लेंगे, जो कि हम भरावन में भरेंगे। लगभग आधा कप कटा हुआ आम लेंगे। हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें। बाकी बचे आम को मिक्सी जार में मोटा काट लेंगे। केसर का दूध डालेंगे, जो कि हमने पहले से भिगोकर रखा हुआ था। स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे और ढक्कन लगाकर मिश्रण को बारीक पीस लेंगे। एक कटोरे में मिल्क पाउडर 1 से 2 चम्मच या स्वाद अनुसार बूरा, नारियल का चूरा डालेंगे। सामग्री को मिलाएंगे। इसको आप तुरंत ही बनाएं और तुरंत ही परोसे, नहीं तो यह एक दूसरे में मिलकर मिक्स हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मिश्रण को गूंथ लेंगे। आप इसमें एक साथ एक बार में ज़्यादा दूध ना डालें, नहीं तो मिश्रण पतला हो जाएगा। लगभग 4 से 5 चम्मच दूध लग जाएगा। दूध को हमने पहले से ही उबाल कर ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर पर। अब आटा गूंथकर तैयार हो चुका है। हमारे पास ये आधा कप से ज़्यादा दूध बच चुका है। कटे हुए आम में कटे हुए काजू बादाम किशमिश डालेंगे और मिलाएंगे। यदि आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हथेली पर घी लगाएंगे, जिससे कि मिश्रण ना चिपके। थोड़ा सा मिश्रण लेकर उंगलियों की मदद से फैलाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। आम के मिश्रण को भरेंगे, फोल्ड कर देंगे। हल्के हाथों से दबाते हुए बॉल का आकार दें। ऐसे ही सभी बॉल्स को बना लेंगे। हमने यहाँ 2 बॉल्स को बनाया है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। छोटी भूख के लिए बहुत ही अच्छा डेजर्ट है। आप इसका सेवन उपवास में भी कर सकते हैं। बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। सर्विंग बॉल में आम प्यूरी को डालेंगे, मिल्क बॉल्स को प्यूरी में रख देंगे। ऊपर से थोड़ी सी प्यूरी लगाएंगे और अनारदाना व केसर से सजाकर तुरंत परोसेंगे। इसको आप तभी बनाएं जब आप इसका सेवन करना चाहते हैं। इसको बनाकर फ्रिज में ना रखें। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।